सो दोस्तों स्वागत है जेनरॉन टेक पर। और कोरोना के इस पेंडेमिक में ये बढ़िया सा गैजेट आपकी जिंदगी बचा सकता है। हम हमारे हाथ तो धोते रहते हैं, बट क्या पता हमारे पास जो मोबाइल फोन है या फिर ईयरफोन है या हमारे कार की चाबी है या फिर जो पैसे हैं जो लगभग सामान खरीदते वक्त या फिर देन लेन करते वक्त एक्सचेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो लगभग हमें डर लगा रहता है कि क्या इन पर कोई वायरस या फिर कोई कीटाणु जो है वो जमा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये गैजेट जो है ये बेहद काम आ सकता है इन सभी चीज़ों को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। इस बढ़िया से गैजेट का नाम है रेगर आर्क 1500। ये एक बढ़िया सा डिसइंफेक्शन बॉक्स है जिसके अंदर आपको यूवीसी एलईडी लाइट मिल जाती है जो लगभग आपके मास्क या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी भी सामान को डिसइंफेक्ट कर सकता है सिर्फ 8 मिनट के अंदर। साथ ही में इसके अंदर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है ऊपर की तरफ, यानी कि आप अपने वायरलेस डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। और एक एरोमा डिफ्यूज़र भी इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू, एक एरोमा आप अपने एम्बियंट में फैला सकते हैं इस बढ़िया से गैजेट के यूज़ के थ्रू। तो चलिए अब इस बढ़िया से गैजेट की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसके साथ में आपको मिलता है और किस तरह से इस बढ़िया से गैजेट को यूज़ किया जाता है जो है रेगर आर्क 1500। सो यहाँ पर बॉक्स पर ध्यान दे तो 99.9% आप जर्म्स को किल कर सकते हैं। यूवी स्टरलाइजर और वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। 8 मिनट में आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। 4 मोड दिए गए हैं वायरलेस चार्जिंग के और बिल्ड इन एरोमा डिफ्यूज़र दिया गया है। आइए चार्जिंग मोड की बात करें तो इसमें आप लगभग देख सकते हैं 10 वोल्ट के सैमसंग या फिर LG फ़ोन को आप चार्ज कर पाएंगे। आईफोन्स इज अवेलेबल 7.5 वोल्ट पे। 5 वोल्ट के QI डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं और एयरपॉड्स या फिर आपके स्मार्ट वॉचेस हो गई या फिर गैलेक्सी बर्ड जो है उसे आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें तो बॉक्स पर आपको 4999 लिखा हुआ मिल जाएगा, बट अमेजोन पर ये लगभग आपको 4000 की कीमत में खरीदने के लिए मिल जाएगा। अगर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, क्लिक करें और आज ही बाय आउट करें। तो चलिए बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं किस तरह से एक्चुअल प्रोडक्ट नज़र आता है। सो यहाँ पर बॉक्स खुल चुका है और प्रोडक्ट उसी तरह से दिख रहा है जिस तरह से इसकी ब्रांडिंग की गई है बॉक्स के ऊपर। सो ये फुल वाइट कलर में अवेलेबल है और वाइट बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आपके बेडरूम में किसी कोने में ये बढ़िया सा बॉक्स बहुत ही बढ़िया नज़र आएगा, जहाँ पे आप इसके कंपार्टमेंट में ज्वेलरी, मोबाइल फोन्स या फिर ज़रूरत की सामान आप संभाल कर भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं चार्जिंग पैड दिया गया है, रेगर की ब्रांडिंग नीचे मिल जाती है। सामने की तरफ एक बटन दिया गया है और उसके नीचे आपको LED लाइट दी गई है। तो जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो LED लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि डिसइंफेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है अंदर की तरफ। पीछे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और इनबिल्ड चार्जिंग अवेलेबल नहीं है इस गैजेट के अंदर। आपको बस इस गैजेट को प्लग इन करना है आपके वॉल करंट के ऊपर, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी कुछ बाहरी फीचर्स जो अवेलेबल है। अब कंपार्टमेंट खोलते हैं। ओके, यहाँ पर और भी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग केबल अवेलेबल है, चार्जिंग केबल नहीं कह सकते, इसके पावर कॉर्ड्स अवेलेबल हैं क्योंकि अंदर इनबिल्ट चार्जिंग तो वैसे है नहीं। यहाँ पर ये आपको मिलता है टाइप ए टू टाइप सी का पावर कॉर्ड, इसे आप डायरेक्ट प्लग कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर में और इस बढ़िया से गैजेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया सी चीज़ है। और इसी के साथ में एक और पावर कॉर्ड आपको मिलती है जो है टाइप सी टू टाइप सी, तो ये भी बेहतरीन सी चीज़ है। तो 2 पावर कॉर्ड्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप अपने मुताबिक जो पावर कॉर्ड यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा, इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट ये एरोमा डिफ्यूज़र की जो बॉटल होती है उसमें से ऑयल निकालने के लिए काम आ सकता है। साथ ही में एक मैनुअल जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से इस बढ़िया से रेगर के डिसइंफेक्शन बॉक्स को यूज़ किया जाता है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सो ये थी सारी चीज़ें जो इसके अंदर अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ इस बढ़िया से बॉक्स के अंदर। LED लाइट आप देख पाएंगे साइड में, ये देखें 2 लाइट दी गई है। ये लाइटें जलती हैं और आपके अंदर जो भी सामान अवेलेबल है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए काम आती हैं। साथ ही में नीचे की तरफ आप एक होल देख रहे होंगे, वहाँ पर आपको एरोमा ऑयल जो है वो डालना है और उसके बाद ये जब गैजेट चलेगा, जब आप इसे पावर ऑन करेंगे तो एरोमा ऑयल जो है वो जल उठेगा और बढ़िया सी एम्बियंट खुशबू आपके बेडरूम में या हॉल में पहुँचती रहेगी। अब इसके ऊपर की चीज़ सबसे बढ़िया है, सबसे खास है वायरलेस चार्जिंग पैड। अब यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है वो एक वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन नहीं है तो ये चार्ज नहीं होगा। मैं बस आपको बता रहा था किस तरह से
वायरलेस चार्जिंग पैड पर आप फ़ोन रख सकते हैं और अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ में जो बॉक्स कंपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है, आसानी से आप एट अ टाइम दो मोबाइल फ़ोन्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अपनी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, ज्वेलरी हो गया या फिर कार की कीज़ हो गई, उसे भी आप डिसइंफेक्ट कर पाएंगे। इसके लिड को बस क्लोज करना है और उसके बाद इसे आपको पावर ऑन करना है। तो आइए इसे मैं ज़रा प्लग कर लेता हूँ और उसके बाद पावर ऑन करके चेक करते हैं कि किस तरह से ये डिसइंफेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने कॉर्ड कनेक्ट कर लिया है, तो ये टाइप सी पोर्ट इज रेडी और यहाँ पर आपको इसे बटन दबाना है। आप एक LED लाइट देख सकते हैं नीचे जल रही है, हल्का सा लेड मैं ऊपर करता हूँ, आप देख पाएंगे एक जो LED लाइट है जो दो दी गई है, UVC LED लाइट जो डिसइंफेक्शन करने के लिए काम आती है वो जलती है। तो जैसे ही आप लिड को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे, लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और लिड क्लोज करते ही लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने ज़रूरी स्टफ्स को रख सकते हैं, चाहे आपके पैसे हो जाए या कार कीज हो जाए या कोई भी सामान ऐसा जिसको देख कर या उसे छूने के लिए आपको डर लगता है कि यार उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसे बस इस बॉक्स के अंदर डालें 8 मिनट के लिए और उसके बाद में वो सारी चीज़ बराबर से डिसइंफेक्ट हो जाएगी। अब आपको एग्जांपल देते हैं चार्जिंग पैड का। वैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है वायरलेस चार्जिंग वाला, बट यहाँ पर मेरे पास एक ट्रू वायरलेस ईयरबड है जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है। तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैं टच करता हूँ इस TWS ईयरफोन को, सामने की तरफ 4 LED लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू करती है। तो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पैड भी बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। बस जैसे ही आप अपने वायरलेस डिवाइसेस को उसके ऊपर रखेंगे आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। शायद हल्का सा नज़र नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ। ये देखिए 4 LED लाइट है और जैसे ही आप इसे इसके ऊपर रखते हैं और आपकी जो LED लाइट है, मतलब जो चार्जिंग है वो शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं जो चार्जिंग है वो चालू हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग मोड अवेलेबल है, 10 वॉट, 7.5 वॉट्स, 5 वॉट्स एंड 2.5 वॉट, यानी कि हर प्रकार के वायरलेस डिवाइसेस को आप आसानी से चार्ज कर पाएंगे। 10 वॉट्स अवेलेबल है, ये बढ़िया सी चीज़ है। फास्ट वायरलेस भी इस चार्जिंग पैड के ऊपर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप ऐसी कोई डिवाइस लगाएंगे जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है तो नीचे की तरफ आपको एक LED लाइट ब्लिंक करती हुई मिलेगी। ये देखिए कंटिन्यूस ब्लिंक कर रहा है, मतलब जो भी गैजेट आपने इसके ऊपर रखा है उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही कोई वायरलेस चार्जिंग वाला गैजेट मैं ऊपर रखता हूँ तो आप देखिए लाइट जो है वो जल रही है, यानी कि आपकी जो चार्जिंग है वो चल रही है। तो इसे आपको पता भी चलेगा कि आपकी चार्जिंग जो है वो चल रही है इस वक्त, आपका गैजेट जो है पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ है। और ये देखिए मैं मोबाइल फ़ोन रखता हूँ तो देखो ब्लिंक कर रही है, मतलब आपका जो फ़ोन है वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। सो दोस्तों ये है एक बढ़िया सा गैजेट और आज के इस पैंडेमिक में मेरे हिसाब से ये गैजेट आपके घर में होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम हर रोज़ पैसे घर पर लाते हैं एक्सचेंज में या फिर कोई सामान खरीद कर या फिर कार कीज़ या फिर मोबाइल फ़ोन, बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन को हाथ लगाते हैं। तो इन सभी चीज़ को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अपने घर पर बैठे बैठे बिना डरे। और एरोमा डिफ्यूज़र की वजह से आप घर के एम्बियंट को भी एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू में तब्दील कर सकते हैं। और वायरलेस चार्जिंग तो अवेलेबल ही है आपके लिए और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है इस बढ़िया से गैजेट का। तो खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक मिल जाएगा।